गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केम छो? मजा मज रेवानो। तो आज हम लेके जा रहे हैं ट्रैवलर, वो तो आप ये देख ही सकते हो। और अपने साथ है ये भाई, हम दो ही लोग जा रहे हैं। तो अभी डीजल भरवाते हैं, बाद में बात करता हूँ क्या है क्या नहीं। देखो भाई, यहाँ पे डीजल लेने रुके हैं और डीजल इसमें एकदम स्लो भरना पड़ेगा क्योंकि एयर आ जाता है, तो मालूम है फुल नहीं होता टंकी, तो उसमें मेहनत लगती है। तो क्या मेहनत लगती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो भाई, कहाँ पे जा रहे हैं? वही अपना और एज यूजुअल मुंबई एयरपोर्ट। तो मुंबई एयरपोर्ट पिकअप है आज, तो वहाँ पे टाइम मिलेगा तो कोशिश करूँगा कि आपको मुंबई एयरपोर्ट पूरा डिटेल में बता सकूँ, ताकि जो भी लोग है मुंबई एयरपोर्ट जाने वाले है या कुछ भी हो, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको जरूरी है वो सब मेरे वीडियो में आपको मिल जाए। तो फिलहाल यहाँ से डीजल भरवाया और फुल टैंक कर लिया है। अभी इसमें फुल टैंक, तो इस पे मत जाओ, ये कांटा प्रॉपर नहीं है, बस इधर तक ही आता है। और इसकी हेडलाइट भी थोड़ी वीक है, पर चलता है, जो भी है कोई बात नहीं। अपने को तो भाई क्या करना है, रास्ता तो पूरा यहाँ पे है, यहाँ पे ठीक समझे, क्योंकि रोज ही जाना है। कल भी 3 दिन से कंटिन्यू बैक टू बैक हो रहा था, तो वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहे है क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि एडिट करना थोड़ा टफ हो जाता है। 12 घंटे की ट्रिप लगाओ, फिर बीच में 4-5 घंटे मिलते हैं, उसमें भी एडिट करने बैठो तो 2-3 घंटे निकल जाते हैं, तो इसलिए एडिट नहीं कर पा रहा था। ये वीडियो भी थोड़ा सा लेट आएगा, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि आपको जो भी अपडेट हो तुरंत के तुरंत मिले। और हाँ, कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वीडियो आए और आपको अच्छे अच्छे जगह पे घुमा पाऊं। तो चलते हैं, फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और कहाँ से कैसे कैसे जाएंगे वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जी भाई, वापी पहुंच चुके हैं और देखो कब से ये 40-50 इतना ही चल रहा है क्योंकि ट्रैफिक है ना, यहाँ तक बहुत सारे ट्रक्स आते हैं तो थोड़ा धीरे ही चलना पड़ता है। बाकी एक बार भिलाड़ क्रॉस करेंगे उसके बाद अपने को खुला रास्ता मिल जाएगा। और इसकी हेडलाइट है ना, बहुत बेकार है ये। देखो सामने वाले की लाइट पड़ती है तो अपना तो रास्ता दिखता ही नहीं है, कैसे चलाएँगे फिर। और ऊपर से ये छोटे छोटे बच्चे लोग, यही वाला, हाँ ऐसे छोटे छोटे व्हीकल आते हैं तो बड़ा हाथी लेके निकले तो थोड़ा धीरे तो चलना पड़ेगा ही। चलो एक बार भिलाड़ क्रॉस करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो भाई तलासरी पहुंचे हैं और जब कार लेके आते हैं तो वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ट्रैवलर लेके आओ तो ये सारे ट्रक वाले भाइयों के साथ यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है। और एक मैंडेटरी है प्रोसीजर, वो तो नहीं दिखा सकता। तो जी भाई, अपने आगे भी दो ट्रैवलर है और पीछे तो आपको क्या ही दिखेगा, पीछे भी है दो तीन है, मतलब अपने जैसे आज बहुत सारे है ट्रैवलर वाले। तो एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर निपटा दे फिर आगे मिलते हैं आपको।
देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि इसकी हेडलाइट बहुत कम है। ये देखो अभी आपको कैमरे में थोड़ी ज़्यादा ही दिखाई दे रही है, बाकी एक्चुअल में उतने दूर तक नहीं दिखा रहा है, बहुत ही कम है। अगर ये फॉग लाइट बंद कर दो, ये देखो पूरा अंधेरा ही हो जाएगा। तो LED फॉग लाइट है तो अपना काम थोड़ा थोड़ा चल जाता है। बाकी इस रास्ते पे दिक्कत नहीं है क्योंकि रोज़ ही आता हूँ तो रास्ता तो मालूम ही है। हाँ तो भाई यहाँ पे रुके हैं चारोटी होटल अतिथि ये, और ये गाड़ी लगा दिया यहाँ पे, ये देख रहे हो क्या भाई, पहले तू बजा ले। हाँ ये देख रहे हो सारी की सारी एयरपोर्ट के लिए है गाड़ी, और अपने साथ ये सारी गाड़ी अपने को एयरपोर्ट पे मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होते कुछ डिनर का टाइम है, सॉरी डिनर विनर करते और फिर निकलते। तो जी वेलकम टू मुंबई आ चुके हैं यहाँ पे। अरे भाई ये देखो यहाँ पे ब्रिज का काम चालू है अभी, नया वाला 2-3 महीने में बन जाना चाहिए। बाकी अभी ट्रैफिक तो नहीं है, रात का टाइम है, अगर दिन में आओ तो पता चलता है यहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। और सामने है अपने फाउंटेन, अगर मुंबई से है कोई और आजू बाजू से तो उनको पता है फाउंटेन होटल मानी मुंबई में एंट्री हो गई अपनी। तो चलते हैं फाउंटेन पर तो नहीं रुकेंगे, उसके बाजू में है एक्सप्रेस इन, वहाँ पे चलते हैं और उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ, बात करता हूँ। तो भाई टाइम हुआ है 11:30 बजे और अपने को एयरपोर्ट पहुंचना है 1:30 बजे तक, मतलब अभी अपने पास 2 घंटा जैसा है। 1:30 बजे 2 बजे पहुंचेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे आए ये देखो एक्सप्रेस इन होटल, एक्सप्रेस इन फाउंटेन के जस्ट बाजू में ही है। और अरे फोकस कर ले, हाँ ये देखा समझ जाओ। और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी है अपनी यहाँ की गुजरात की। तो क्या करेंगे अभी अपने पास टाइम है तो यहाँ पे आराम से मस्त थोड़ा सो जाएंगे 2 घंटे, ताकि सुबह में यहाँ से निकले तब नींद ना रहे और अपनी नींद कंप्लीट हो जाएगी तो फिर क्या दिक्कत है। और एयरपोर्ट पे चल के आपको दिखाऊंगा कि पिकअप करने जाते हैं तो ये ट्रैवलर लेके जाते हैं तो कहाँ से जाएंगे और कैसे जाएंगे वो सब आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में भाई अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ऐसी बहुत सारी जगह होती है जो कोई एक्सप्लेन नहीं करता वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो। तो ज़रा बाहर निकलते हैं, थोड़ी ठंड है यहाँ पे, पर दिखाता हूँ कितनी गाड़ियाँ है। तो जी भाई ये है एक्सप्रेस इन होटल, और वो जो पार्किंग था ना वो वहाँ पे था कुछ वहाँ पे, और अभी हम यहाँ पे होटल पे आए हैं। थोड़ा वॉशरूम जाएंगे, फ्रेश होंगे
और ये देखो भाई पूरी सभी जीजे नंबर गाड़ी है, हर एक गाड़ी जो भी देखो सब कोई एयरपोर्ट पे ही आया है। तो समझ रहे हो आज एयरपोर्ट पे बहुत सारी भीड़ होने वाली है। और ये देखो यहाँ पे गुजराती थाली भी है कंसार, और एक्सप्रेशन कुछ इस तरफ से है। हाँ तो भाई अभी भी एक्सप्रेस इन पे है और रात के 1:30 बजे है, और जो फ्लाइट 1:30 बजे आने वाला था वो लेट है, 2:07 दिखा रहा है अभी। और दूसरा भी एक फ्लाइट है, मतलब एक फ्लाइट में 2 पैसेंजर है, वो वाला फ्लाइट 2:07 क्या बोल रहा हूँ यार, नींद पूरे नहीं हुई, तो 2:07 को अभी दिखा रहा है। और दूसरा प्लेन है उसमें 4 लोग आने वाले है, वो फ्लाइट 4:50 मतलब 5 बजे मानो लैंड होगा। तो भाई आज तो लग गए, देखते हैं कैसे करेंगे। अभी अभी भी यहीं पे है, थोड़े लेट ही जाएंगे क्योंकि वहाँ पे भी पार्किंग में डालना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे आराम होगा तो ठीक है, वरना वहीं पे चलेंगे।